ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि ई-मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से तारबंदी अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, वह भी व्यक्तिगत। तारबंदी योजना के दो आवेदन होते हैं, एक तो बहुत सारे किसान मिलकर समूह में आवेदन करते हैं, एक अकेला किसान व्यक्तिगत आवेदन करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं व्यक्तिगत आवेदन करना सिखाने वाला हूं। अगर आपको समूह में आवेदन करना सीखना है तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के आप समूह में आवेदन करना सीख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे व्यक्तिगत तारबंदी अनुदान योजना का आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यूटिलिटी टाइप सर्विस पे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च के अंदर टाइप करना है एग्रीकल्चर। जैसे ही आप एग्रीकल्चर टाइप करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर विभाग की जितनी भी सर्विस हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको देख सकते हैं कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर सब्सिडी, ये वाला दोस्तों देख सकते हैं, इस वाली सर्विस का आपको चयन कर लेना है, ये वाली सर्विस है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वाली सर्विस का आप चयन करेंगे और उसके बाद आप ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो तारबंदी अनुदान योजना के आवेदन के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद किसान के यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आपको एंटर करने हैं। तो यहाँ पे जिस किसान का आप आवेदन कर रहे हैं उसके जन आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, जिसका आपको तारबंदी योजना का फॉर्म भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे, आप उस सदस्य का चयन करेंगे जिसका कि तारबंदी अनुदान योजना का आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल फोन नंबर है किसान के, उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे, वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं मिलते तो पुनः भेजे पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ओटीपी मिल गए हैं, हम यहाँ पे सत्यापित करे पे क्लिक करते हैं, सत्यापन सक्सेसफुली हो जाएगा, किसान की कंप्लीट डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसान के जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक है वह मोबाइल फोन संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। यहाँ पे मोबाइल फोन संख्या दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देगा, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे, किसान का जो जन आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक खाता वो दिखाई देगा, जांच करेंगे सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे तारबंदी अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्म भरने के कुछ एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएंगे। तो सभी श्रेणी के किसान इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी किसान आवेदन कर रहे हैं उसने पहले कभी भी इस योजना का बेनिफिट लिया है तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो व्यक्तिगत आवेदक हैं, जो मैं आज आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ, उसके पास 1.5 हेक्टेयर की भूमि होना जरूरी है। अगर 1.5 हेक्टेयर की भूमि नहीं है तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है समूह के अंदर, तो जो समूह का वीडियो है उसके अंदर आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अगर कोई व्यक्तिगत भू स्वामित्व तो नहीं है और कोई शेयर होल्डर है तो उससे संबंधित पटवारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे संलग्न करनी होगी। अगर यहाँ पे व्यक्तिगत यहाँ पे भू स्वामित्व तो किसी का नहीं है यानी कि वो नेशनल शेयर होल्डर है तो उस मामलों में। अब दोस्तों आवेदक कृषक की जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो, तो आप ई-मित्र से ऑनलाइन ये जमाबंदी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल कहा जाता है। उसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो इस वीडियो को आप देख ले। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो भी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और हैं खेतों की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो सबसे कम भुजा होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी जो तारबंदी है उसकी पेरी फेरी का निर्धारण किया जाएगा। आवेदक ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की अगर पेरी फेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक हो रही है तो जो शेष जो भुजाएं बच जाती हैं उसके अंदर किसान को खुद यहाँ पे अपने स्तर पर तारबंदी करवानी होगी, तभी उसको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किसी ट्रस्ट, छोटे सोसाइटी, स्कूल वगैरह जो मंदिर धार्मिक स्थान है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अलावा लाइट का करंट आप इसके अंदर प्रवाह नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ एक नियम है जिसे आपको पढ़ना होगा, किसान को भी बता लेना है और आपको भी समझ लेना है, उसके बाद आपको आवेदन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर लघु व सीमांत किसान हैं तो पहले जन आधार कार्ड के अंदर लघु व सीमांत श्रेणी अपडेट करवानी होगी। तो लघु व सीमांत श्रेणी जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट किस प्रकार से की जाती है पहले ही वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये लघु व सीमांत किसानों के लिए श्रेणी अपडेट होना जरूरी है, तभी आपको आवेदन करना है, नहीं तो आवेदन नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द वायर फेंसिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जिला लेना है जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद पंचायत समिति लेनी है, फिर ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र है वो आपको लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र आपने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप है या फिर यहाँ पे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत आवेदक है, तो फर्स्ट वाला व्यक्तिगत आवेदक के लिए है और सेकंड वाला ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर आवेदन किस प्रकार से किए जाते हैं पहले ही वीडियो बना हुआ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। अभी हम व्यक्तिगत आवेदन कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है कंप्लीट, जहाँ पे आपको तारबंदी करवाने जा रहे हैं तो उसका यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब दोस्तों ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द वायर फेंसिंग का हो गया है। अब दोस्तों ये तो हो गया ये वाला भाग। अब दोस्तों एडिट फार्मर डिटेल, तो दोस्तों व्यक्तिगत आवेदक के मामले में एक फार्मर की ही डिटेल अपडेट करनी, यहाँ पे डिटेल अपने आप आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत जहाँ पे आपको तारबंदी करवानी है उसका चयन कर लेंगे, तो सभी ग्राम पंचायत आ जाएगी यहाँ पे ऊपर जो आपने डिटेल ली है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे ग्राम पंचायत का चयन कर लेंगे। उसके बाद विलेज का चयन करेंगे, उसके बाद किसान की श्रेणी का चयन करेंगे कौन सी श्रेणी का किसान है, उसके बाद खाता संख्या किसान के जमीन की आप दर्ज करेंगे जमाबंदी के अकॉर्डिंग, फिर खसरा संख्या आप यहां पे अंकित करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे इस खसरे के अंदर जो कितनी भूमि आई हुई है उस भूमि को आप यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे ओनरशिप प्रकार लेंगे, सेल्फ हैं या फिर नेशनल शेयर होल्डर हैं, तो शेयर होल्डर है नेशनल तो वो लेंगे, अगर सेल्फ आवेदक हैं तो सेल्फ आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ज़मीन का नक्शा जो भी पटवारी के द्वारा प्रमाणित आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो सबसे पहले आप भू नक्शा पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से एक नक्शा डाउनलोड करेंगे। भू नक्शा पोर्टल से नक्शा किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है पहले ही वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो से आप नक्शा डाउनलोड करना सीख सकते हैं। एक बार आपका नक्शा डाउनलोड हो गया उसके बाद पटवारी से प्रमाणित करवाएंगे, उसके बाद आप उसे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्कैन कर चुके हैं, इसका चयन करते हैं और इसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप जमाबंदी जो कि ई मित्र से डिजिटल साइन युक्त आप डाउनलोड करेंगे और इसको पटवारी से प्रमाणित करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, व्यू पे करके आप जमाबंदी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट डिटेल फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और व्यक्तिगत आवेदक का यहाँ पे तारबंदी अनुदान योजना का आवेदन का यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे आप कंप्लीट जांच कर लेंगे कि जो आपने तारबंदी अनुदान योजना का फॉर्म भरा है उसकी डिटेल सही है या फिर नहीं, अगर आपको लगता है सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंटआउट निकाल के किसान को दे देंगे और इस प्रकार से आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा तारबंदी अनुदान योजना का। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया फिर यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं कि वो अप्रूव है पेंडिंग है, तो कभी भी स्टेटस देखना है तो इस पोर्टल पे आके यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं। और अधिक जानकारी की जरूरत है तो वीडियो डिटेल में जाके भी आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था स्टेप बाय स्टेप व्यक्तिगत आवेदक, एक अकेला किसान इसके अंदर आवेदन कर रहा है, समूह बना के आवेदन नहीं कर रहा है, तो इस स्टेप को फॉलो करके फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अगर समूह का आवेदन करना सीखना है तो वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, अगर बहुत सारे किसान समूह बना के इसके अंदर आवेदन कर रहे हैं। तो ये था एक अकेले किसान का आवेदन करने का प्रोसेस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।